हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने सोचा कि कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या है कि एग्ज़ाम की डेट जो है कभी भी आ सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं ATC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करा दूँ। तो 2015 से जितने भी पेपर हुए हैं, अपन एक पेपर डेली अपन कराएंगे। पहले मैथ्स का कंप्लीट करेंगे, देन फिजिक्स का करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले 2015 का पेपर जो नेट पर मिल रहा है आपको, उसको मैं करा रहा हूँ। 2015 का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, शिफ्ट फर्स्ट का, उसको अपन मैथ उसमें मैथ्स का पेपर जो है वो अपन आज डिस्कस करेंगे, देन फिजिक्स का करेंगे, फिर 15 का जो सेकंड शिफ्ट का है फिर वो करेंगे। ऐसे करके अपन एक एक पेपर सारे पेपर करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का है 2015 का पेपर शिफ्ट फर्स्ट, और ये मैथ्स का पेपर अपन कर रहे हैं, और फिर देन अपन फिजिक्स का पेपर करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये आया था, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन गलत दिए हुए थे। अगर आप पेपर का सॉल्यूशन मतलब देखोगे, आप पेपर देखोगे तो उसके नीचे लिखा हुआ है ड्यू टू टॉपोग्राफिकल एरर इन ऑप्शन, नो ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता तो कैसे करते हैं? देखो, ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में बहुत सारे कराए हैं इस टाइप के, कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, बहुत अच्छे लेवल से कराए हुए हैं। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, अगर डिफरेंशियबल फंक्शन होता है, अगर एक्स इक्वल टू वन पर है, तो वो कंटिन्यूस भी होता है। और कंटिन्यूस मतलब एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूस है, सीधा वन रख दो उसके अंदर। तो ए वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन माइनस वन विल बी इक्वल टू क्या होगा, बी माइनस सी इंटू वन का स्क्वायर, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल। तो कितना आया, ए प्लस वन इक्वल टू बी माइनस सी। तो यहाँ से बोल सकता था मैं ए प्लस सी प्लस वन इक्वल टू बी, ये हो गया, या एक हिंट ये हो गया, अपन को बी की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा इसने क्या बोला, एफ डैश जीरो जो है एफ डैश टू के बराबर है। एफ डैश जीरो कितना आएगा मैं को बताऊँ, अपन डिफरेंशियबिलिटी के बाद में चेक करेंगे, जो इजी हिंट है वो अपन पहले कर लेंगे। एफ डैश जीरो एफ डैश टू के बराबर, या फिर एफ इसको डिफरेंशियबिलिटी को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पर अगर आप आर एच डी निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे, नीचे वाले से निकालोगे, और एल एच डी निकालना तो ऊपर वाले से निकालोगे। ऊपर वाले का डिफरेंशियल क्या होगा, टू ए एक्स प्लस टू, ये किसके इक्वल होगा, जीरो माइनस टू सी एक्स, क्योंकि डिफरेंशियबल है। तो आर एच डी इक्वल टू एल एच डी होगा, कुछ नहीं करना होता, डिफरेंशियबल करना होता है। यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुई, एक्स इक्वल टू वन दी हुई, तो वन रखेंगे तो कितना आता है, ये टू ए प्लस टू इक्वल टू माइनस टू सी। तो टू ए प्लस टू सी प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से ए प्लस सी निकालते तो क्या आता है, माइनस वन, और ये ए प्लस बी सी यहाँ रखते हैं आप, तो ये माइनस वन प्लस वन इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू क्या आती, जीरो आती। अब तीसरा वाला हिंट मेरे को नहीं पता, ऑप्शन इसके अंदर गलत दिए हुए हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो। थर्ड अगर ऑप्शन चेक करते हैं, एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश टू, तो एफ डैश जीरो मतलब क्या हुआ, इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करो, एक्स की वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए ना, तो कितना आएगा, टू ए एक्स प्लस टू, बाद में इसे रख देंगे, जीरो बाद में रखेंगे, ठीक है ना। और एफ डैश टू कितना आता है, माइनस टू सी एक्स आता। अब जीरो रख दो इसके अंदर, तो ये होता टू इक्वल टू, और टू रखते तो कितना आता, माइनस रूट सी इंटू टू, तो सी की वैल्यू आती माइनस वन बाई टू, जो भी आती, ठीक है ना। तो ये वाला हिंट तो वैसे भी काम करें, सी की वैल्यू कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का थोड़ी सी मिस्टेक थी, ऑप्शन का मिस्टेक थी। अगर ये वाला हिंट नहीं दिया होता तो सीधा आंसर होता कि बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये क्वेश्चंस के गलत था, ये क्वेश्चन इसके मार्क्स जो है सबको दे दिए गए थे, बट मैंने तरीका बताया कि इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स कॉमा एक्स एक्स की पावर एक्स, मान लेते हैं एफ एक्स है वो आपका एक्स टू द पावर एक्स है, तो उसका डिफरेंशियल कर लो मिनिमम मैक्सिमम के लिए, क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। और एक्स के पावर एक्स का कितना आता है, एक्स के पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, इसको जीरो करेंगे, ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ही जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वन प्लस लॉग एक्स जीरो होगा। लॉग एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन, ई मान लो तो एक्स कितना हो, ई की पावर माइनस वन, और ई की पावर माइनस मतलब वन अपॉन ई, इस वन अपॉन ई पर मिनिमम आएगा, दैट्स वाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू आई, अपन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, मैंने वीडियो में कराया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हो। फिर भी मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा पार्ट लेकर आऊँगा, अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन करना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, अपन क्या करते हैं, डिस्को डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स। देखो, इसका सोल्यूशन जो होता है ना, वो दो टाइप्स होता है, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इस वाले पार्ट को क्या करते हैं अपन, जो ये डी स्क्वायर लिखा हुआ है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इक्वल टू जीरो, या फिर एम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डी इक्वल टू वन आएगा और डी इक्वल टू क्या आएगा, टू आएगा।
तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा वो होगा सी वन ई टू द पावर, अब एम वन एक्स होता है या डी एक्स होता है, इसको आप एम वन भी लिख सकते हो, एम वन इक्वल टू वन और एम टू इक्वल टू टू। तो इसका सॉल्यूशन होता है ना स्टूडेंट, वो होता है सी टू ई की पावर एम टू एक्स, तो जगह सी वन ई की पावर एम वन कितना हो गया, ये हो गया सी टू और ई की पावर ये टू एक्स हो गया, ये तो इसका मिल गया सी एस। अब देखो ऑप्शन चेक करो फटाफट कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहे हैं। तो पहले तो आपको इन चार ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर ही आ रहा है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो वैसे करेक्ट हो गया, पी आई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमेशा जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो, अगर सी एस निकालने पर आपका आंसर मैच कर रहा है तो पी आई निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है और आपको आप वो देखते नहीं और आप आगे भी सॉल्व करते रहते अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन पहले ऑप्शन ऑप्शन से हमेशा क्वेश्चन देखते रहना है, ऑप्शन को चेक करते रहना क्या ऑप्शन दिया, कई बार ऑप्शन इतने वैरी होते हैं तो आपको लगता है यार ये आंसर होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पी आई निकालना हो तो कैसे निकालना होता है पी आई, अब देखो बहुत सिंपल है, ये मेरे पास आया था ई की पावर थ्री एक्स और उसको नीचे भेज दो बी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, मैं ये कराऊंगा पूरा कराऊंगा ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कराऊंगा। मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट, उसमें आधे लोगों ने बोला था नहीं सर इतना लॉन्ग वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो मत डालो, शॉर्ट वीडियो डालो, कोई कुछ क्या बोला था, तो अब मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल तो देख लो कि ये दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या करना है, इस थ्री को इसके अंदर रख दो बस, तो ये हो गया थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस टू, तो ये हो जाएगा ई की पावर थ्री एक्स अपॉन टू ठीक है। अगर ये नीचे वाला पार्ट जीरो आता तो इसके आगे की स्टोरी अपन आगे देखेंगे जब तो मैं कराऊंगा आपको। तो फिलहाल इसका टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सी एफ इतना आ गया और पी आई आ गया ई की पावर थ्री एक्स अपॉन टू, तो ये दोनों मिलकर इसका कंप्लीट आंसर देंगे, दैट्स ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मिस्टेक है, क्यों मिस्टेक है ये आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी बोनस था। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो तो इस फंक्शन इसका ऑप्शन के अंदर एफ एक्स एफ एक्स जी एक्स कुछ दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी एफ एक्स जी एक्स नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, दैट्स वाई ऑप्शन जो ये क्वेश्चन था वो बोनस मिला था आपको ठीक है। तो इस क्वेश्चन कर ही नहीं सकते क्योंकि अपन को एफ एक्स जी एक्स पता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये क्वेश्चन मेरी वीडियो में से आया हुआ है, काफ़ी कुछ तो मैंने कराया, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मैक्सिमम अपने वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। जो जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, मैं बोलूँगा फर्स्ट जितने भी वीडियो कराए हुए हैं प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको ए टी सी ए ओ की मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, इस प्लेलिस्ट को इसके जितने भी वीडियो है 70 वीडियो जितने देख लेना, करीब करीब आपके 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखना, ये आपका क्वेश्चन है पी डी ई का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट अभी कराया था, तो इसमें कैसे कर सकते, याद याद करो डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी वाई अपॉन रूट वाई, डी जेड अपॉन रूट जेड, अगर अभी भी याद नहीं है तो वापस आकर देख लो वो वाला वीडियो, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। अब बताओ इसके इन दोनों को पकड़ा मैंने डी एक्स अपॉन रूट एक्स डी वाई अपॉन रूट वाई, अब क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करना है, तो रूट एक्स से क्या होगा, रूट एक्स को ऊपर लेके चल जाओ, वैसे ही वाई की पावर वन माइनस वन बाई टू डी वाई, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, अपन वन बाई टू ऐड कर वन वन ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा वन बाई टू, यहाँ पर भी आएगा वन बाई टू, वैसे वैसे यहाँ पर भी क्या आएगा वाई की पावर वन बाई टू वन बाई टू, यहाँ पर सी ले लो ठीक है, तो कितना हो जाएगा टू एक्स की पावर वन बाई टू इक्वल टू टू वाई की पावर वन बाई टू प्लस सी। अब देखो टू टू कभी कई बार लिखा नहीं होता है, उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स की पावर वन बाई टू वाई की पावर वन बाई टू प्लस सी बाई टू, सी बाई टू एक अलग कॉन्स्टेंट हो गया, इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वाई की पावर, ये सी कुछ आप डी सी डैश मान लो, ये कोई कॉफिशियंट है क्योंकि ऑप्शन के अंदर वैसे कुछ टू टू दिया हुआ नहीं है, तो एक तो सी ए आ गया। ऐसा ऐसा एग्जैक्टली आप इसका इसका करोगे तो ये भी ऐसे आएगा, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू जेड की पावर वन बाई टू सी डबल डैश कर लो और उसको आप फंक्शन में, तो कैसे भी कर सकते हो, देखो सी डैश इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी डबल डैश, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके बताए थे, जाकर वीडियो जाकर देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ रूट एक्स माइनस रूट जेड ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फाइव सी डैश कॉमा सी डबल डैश इक्वल टू जीरो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, तो आपका ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्टूडेंट एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ आपके डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट वाली सीरीज के अंदर, उसके अंदर वीडियो डाला था, मैक्सिमम क्वेश्चन देख रहे होगा अपन वीडियो में से आ रहे हैं, क्वेश्चन जो है मैंने करा चुका हूँ, आप मेरे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के वीडियो में देख लेना,
सेम क्वेश्चन कराया हुआ है और आंसर आया था कंडीशनल कन्वर्जेंट, ठीक है, चेक कर लेने वाला। जो लास्ट वाला वीडियो डाला था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का, उसमें देख लेना, ये आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ अपन को, द सिस्टम क्वेश्चन दी हुई आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस के वाई प्लस जेड इक्वल टू के। थर्ड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस के जेड इक्वल टू के क्यू। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक्स बराबर होता है डेल्टा वन अपन डेल्टा, वाई बराबर होता है डेल्टा टू अपन डेल्टा, जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री अपन डेल्टा। अगर डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो आए और डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाए, तो सिंपल सी बात है उसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स इन्फाइनेट आता है तो इन्फाइनेट को अपन नो सॉल्यूशन मानते हैं। अब इसका डेल्टा निकाल लो, डेल्टा कितना आएगा, के वन 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 के वन लास्ट में वन वन के। इसको अपन सॉल्व कर लेते, ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व कर लेते। सो कितना आएगा, के क्या जो के स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन जाएगा के माइनस वन, फिर वन, फिर वन माइनस के, इसको जीरो कर दो। जो के क्यूब माइनस के प्लस वन प्लस वन माइनस के इक्वल टू जीरो। के क्यूब माइनस थ्री के प्लस टू इक्वल टू जीरो, सही है। इसके फैक्टर करोगे आप तो के इक्वल टू वन जा रहा है आपका, तो बाकी आपको मैंने करना सिखाया हुआ है, वन जीरो माइनस थ्री टू। ये ट्रिक बताई हुई है अगर आप पीछे वाले वीडियो देखोगे तो, क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। वन एज इट इज वन को यहाँ रखा, ये वन आएगा, फिर वन को रखा माइनस टू, टू जीरो, तो के माइनस वन के स्क्वायर प्लस के माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा के माइनस वन के प्लस टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से के इक्वल टू वन आ रहा है और के इक्वल टू माइनस का टू आ रहा है, ठीक है। अब के इक्वल टू वन और माइनस टू दो आ रहा है, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अपन निकालते हैं डेल्टा वन, जो यहाँ पर कन्फ्यूजन दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, हम निकालते हैं डेल्टा वन। डेल्टा वन क्या है, डेल्टा वन लगाऊंगा तो मैं क्या आएगा स्टूडेंट, याद है आपको डेल्टा वन कैसे निकालते हैं, वन फिर आएगा के, फिर आएगा के क्यूब, जो इधर वाला पार्ट है राइट वाला पार्ट वो रख देते हैं, फिर आएगा वन, फिर आएगा के, फिर आएगा वन और लास्ट में जेड वाला आएगा, वन वन के, वन वन के। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर सॉल्यूशन अलग जाएगा। तो डेल्टा वन निकालते हैं, वन के स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, फिर के स्क्वायर माइनस के क्यूब, फिर वन का आ गया के माइनस के की पावर फोर इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल जो भी आएगा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो के स्क्वायर माइनस वन माइनस का के स्क्वायर प्लस के क्यूब प्लस के माइनस के की पावर फोर, कुछ कट रहा है ये कट गया, इक्वल टू अभी जीरो कुछ नहीं बोल सकते अपन। ये हो गया के क्यूब प्लस के माइनस के की पावर फोर माइनस वन, अभी आया नहीं। अब अगर इस वन रखने पर कितना आना चाहिए, तो ये भी रख सकते, लेकिन ये जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन वन पर ये जीरो दे रहा था, रख के देखो वन पर वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन, तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब वन तो ले नहीं सकते, तो आंसर क्या हो गया माइनस टू। क्योंकि डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, नो सोल्यूशन के लिए डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डेल्टा जीरो होना चाहिए, तभी तो इन्फाइनेट आएगा। तो वन नहीं कर सकता, इसका मतलब माइनस टू करेगा, तो ऑप्शन में माइनस टू था तो फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। सिंपल सा कुछ नहीं करना, ये कैमर रूल आपने बताया हुआ है, मैट्रिक्स वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, सब कुछ कराया हुआ, इतना हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये थी कि अपन लोग जनरली के इक्वल टू वन फटाफट लगा के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को चेक करना पड़ेगा, डेल्टा वन चेक करना पड़ेगा, जो कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू फटाफट सॉल्व करने के लिए एक्स को वन ले लो, क्या ले लो, वन ले लो। तो क्या आ गया आपको आंसर, वन प्लस लैम्डा वन 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 प्लस लैम्डा वन 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 प्लस लैम्डा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो कितना आएगा, वन प्लस लैम्डा ब्रैकेट में क्या आएगा, वन प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस वन, अगला आएगा माइनस वन, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा वन प्लस लैम्डा माइनस वन, लास्ट में वन को सॉल्व करोगे तो वन माइनस लैम्डा, ठीक है, कर लोगे ये,
क्या करोगे देखो, जो वन प्लस लेमडा अंदर से सॉल्व करोगे तो आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा प्लस वन माइनस वन ऑलरेडी है, यहाँ वन से वन चला गया माइनस लेमडा बचा, यहाँ वन से वन चला गया माइनस का लेमडा बचा, अब यहाँ से वन चला गया तो हो गया वन प्लस लेमडा मल्टीप्लाई लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा माइनस का टू लेमडा, ठीक है। उसको और सॉल्व करोगे तो आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा प्लस लेमडा क्यूब प्लस टू लेमडा स्क्वायर माइनस का टू लेमडा, कट गया तो फाइनल आपके पास आया लेमडा क्यूब प्लस टू लेमडा स्क्वायर जो थ्री लेमडा स्क्वायर, कितना हो जाएगा लेमडा क्यूब प्लस थ्री लेमडा स्क्वायर, ठीक है। आगे बात सुन में इक्वल टू जीरो, लेमडा स्क्वायर को बाहर ले लिया, थ्री प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो आ गया, या तो लेमडा जीरो होगा या लेमडा माइनस थ्री होगा, ठीक है। तो जीरो अपन नहीं लेते, माइनस थ्री से लेकर चेक करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर एक्स एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा बाई थ्री होगा तो यहाँ पर माइनस थ्री अपन माइनस थ्री सॉरी इसकी वैल्यू माइनस आ रही ऑलरेडी माइनस है तो कट के कितना देगा वन देगा, और वन ही अपन ने एक्स की वैल्यू एज्यूम की थी, ऑप्शन बी बिल्कुल मैच हो रहा है, दैट्स आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या है, ठीक है, चेक करके बताओ मुझे उसकी रैंकिंग क्या होगी। मैंने क्या बताया था, रैंक की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ फटाफट इसी मैट्रिक्स के अंदर। सपोज मैं लगाता हूँ आर टू आर थ्री में लगाता हूँ, आर थ्री माइनस टू आर टू लगाता हूँ, क्या आता है ये जीरो वन माइनस थ्री माइनस वन वन जीरो वन वन ऐसे कैसे लिखा मैंने, और आर थ्री में से टू आर टू किया तो ये वन बचेगा, यहाँ पर भी वन बचेगा, यहाँ माइनस टू बचेगा और यहाँ जीरो बचेगा, और ये रहा वन वन माइनस टू जीरो, ठीक है। तो साफ सलो ये लगाने के बाद इसमें से इसको माइनस कर दूंगा जीरो आ जाएगा, तो आर फोर में से आर फोर माइनस आर थ्री कर दिया तो कितना बचा, एक एक करके करोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, एक एक बार स्टेप करो, ये वन जीरो वन वन ये वन वन माइनस टू जीरो और ये जीरो 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 जीरो, यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। अब बताओ मुझे और क्या जीरो कर सकते हो आप, और कुछ करते हैं अपन, काम और कर सकता हूँ मैं, क्या करता हूँ आर टू को चेंज करता हूँ आर टू माइनस आर थ्री करता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा स्टूडेंट देखो चेक करो, जीरो वन माइनस थ्री माइनस वन, आर टू में से आर थ्री का जीरो बचेगा या माइनस वन बचेगा या थ्री बचेगा और या वन बचेगा, ठीक है। बाकी वन वन माइनस टू जीरो 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 जीरो, अब देखो क्या इन दोनों को ऐड करने पर जीरो आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। तो आर वन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू किया मैंने, वो देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका जीरो 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 माइनस वन थ्री वन 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 माइनस टू जीरो 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 जीरो। अब सोचो क्या इन दोनों को जीरो कर सकते हो क्या, आप कोई भी ऑपरेशन लगा दो जीरो हो ही नहीं रहेगी, इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ कितनी रह गई है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ दो बच गई, क्या बच गई है दो, कौन कौन सी, ये और ये। रैंक बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सारे वीडियो में कराया हुआ है, सब चीज़ें आप जाकर देख सकते हो। तो आंसर कितना आ गया इसका, रैंक टू आंसर आ गया, क्या आ गया टू, टू इज द राइट आंसर, ठीक है। सब कुछ कराया हुआ है, जो कराया हुआ है उसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो नहीं कराया उसके क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं अभी आपको, जो करा चुका हूँ उसी क्वेश्चन करा रहा हूँ, और मोस्टली क्वेश्चन ये बता रहा हूँ आपको, मोस्टली सिलेबस हो चुका है, खाली एक दो क्वेश्चन जो मैंने निकाले हैं वो मैंने कराया नहीं है, कराने की बात करूँगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको वेक्टर दे दिया मैं आपको, अब इसको फटाफट ऑप्शन से कर लो, देखो मैं सीधा ऑप्शन ही उठा रहा हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे, तो चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, लेकिन फटाफट हो सकता है ये। तो कैसे हो सकता है कि टू एक्स कितना है, थ्री टू माइनस वन माइनस का वाई टू कॉमा फोर कॉमा वन और जेड आना चाहिए फोर जीरो माइनस थ्री, मैं ऑप्शन सेकेंड चेक कर रहा हूँ आपको, कुछ दे दिया और टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड, जो साफ साफ आ रहा था टू एक्स ये सिक्स हो रहा है, फिर फोर हो रहा है, ये माइनस टू, फिर टू फोर वन, देखो माइनस करने पर सिक्स में से टू किया फोर आ रहा है, फोर में से फोर गया जीरो आ रहा है, माइनस टू माइनस वन कितना आ रहा है माइनस थ्री आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली बैठ रहा है, दैट्स वाई सेकेंड क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे तो उसके पाँच छः दिन पहले मैं ट्रिक्स बताऊँगा कैसे पेपर अटेंड करना है, फटाफट कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, किस तरीके से फटाफट ऑप्शन से खेला जाता है, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आप देखिए, वैसे आप सेकेंड ऑप्शन भी मैच कर सकते हो, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बोला टी इज एन एडिटिव ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, देन टी इज डायगोनल ओनली एन वैल्यूज ऑफ टी। सबसे पहले देख लो एडिपोटेंट जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए उसको बोलते हैं एडिपोटेंट मैट्रिक्स। आगे बात समझ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए को लो आप 4, 12, -1, -3, आप उसका ए स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 4, -1, 12, -3, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। याद रखना इसका एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसका ट्रेस होता है, सम ऑफ ट्रेस क्या होता है इनका एलिमेंट का सम, वो होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। और ये भी याद रख सकते हो ट्रेस जो होगा वो सम ऑफ एगन वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। सम ऑफ एगन वैल्यू के बराबर होता है, और मैंने बताया था सम ऑफ एगन वैल्यू क्या होता है, वो भी इन्हीं के एलिमेंट जो डायगनल के एलिमेंट होते हैं उसका सम होता है, डायगनल एलिमेंट्स सम। तो अगर सिंपल सी बात है तो हमेशा याद रखना इसका 1 होता है। इन चार ऑप्शन में देखो किसका 1 आ रहा है सम, पहले ऑप्शन के अंदर 1 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, तीसरे में 0 आ रहा है, फोर्थ में -1 आ रहा है। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट। विदाउट सॉल्व किए आप बता सकते हो अगर आपको ये कोई प्रॉपर्टी याद होती है, तो ऐसा समस्या क्या होगा 1 होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो याद रखना ये ट्रेस इक्वल टू 1 होता है, सम ऑफ आइन वैल्यूज 1 होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम जो होता है 1 होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड करना है रेजिड्यू मैंने कराया हुआ है, बहुत सिंपल है। लिमिट जेड टेन जीरो जेड एफ जेड करके निकालते हैं, तो लिमिट जेड टेन जीरो जेड एफ जेड कितना है, ये रखो जेड अपन जेड, इसको कैंसिल कर दो, जीरो की लिमिट को क्या आएगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है 1। चेक कर लेना वीडियो के अंदर ये कराया हुआ है, आंसर सीधा आ जाएगा 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, अगला करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछा हुआ है, सीधा सीधा फॉर्मूला कि ये इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालते कैसे मैं पूरा बताऊंगा आपको जब मैं 2D करूंगा। मान लो ये इलिप्स है, ठीक है। इस पॉइंट पर एक्स वन वाई वन मान लेंगे, ये इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसकी इक्वेशन लिखते हैं अपन, ये मैं आपको पूरा स्टूडेंट बताऊंगा 2D 3D जब करूंगा, अभी करूंगा समझ में नहीं आएगा, जब 2D 3D करूंगा तो आप इजीली निकाल पाओगे। तो हिंट दे देता हूँ आपको, अब करते कैसे देखते हैं। मान लो ये एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ, ये पॉइंट अपन मान लेते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, उसका डिवाइड बाई एक्स निकालो कितना आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y y 2y y डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से क्या करोगे आप निकालोगे डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स किस पर एक्स वन कॉमा वाई वन पर, वो आपका आएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स वन कॉमा वाई वन। लेकिन यहाँ नॉर्मल की बात हो रही है, डिवाइड बाई डी एक्स टेंजेंट का होता है, नॉर्मल का कितना होता है स्लोप, माइनस डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वन अपॉन ए स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, ठीक है। ये स्लोप होगी नॉर्मल का। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो स्टूडेंट ये सोल्व करने के बाद आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर वाई वन एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन इक्वल टू जीरो। इस वाले को इस लाइन से कंपेयर करोगे, यहाँ से आपको एल एम एन की वैल्यू मिलेगी, वो एल और एम एन की वैल्यू इसमें देखोगे तो थर्ड वाला ऑप्शन मैच करेगा, लेकिन इतना बड़ा करना नहीं है, सीधा याद कराया जाता है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। ये तो मैंने तरीका बताया, बाकी जब अपन 2D 3D करेंगे तो पूरा क्लियरली करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन मैंने कराया हुआ है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया हुआ मॉड एक्स की वैल्यू 2 होती है, एक्स जब एक्स पॉजिटिव होता है, ये माइनस एक्स होती है जब एक्स की वैल्यू लेस देन, ये प्रॉपर्टी अपन ने बताई हुई। इसी पे क्वेश्चन था आई इसको क्या लिखेंगे, माइनस वन से जीरो ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, जीरो से वन के अंदर ई के पावर एक्स हो जाएगा। बस आप पूछ रहे ई के पावर माइनस एक्स का क्या होगा, इसके अंदर ई के पावर माइनस एक्स माइनस वन और रिवर्स माइनस वन से जीरो और यहाँ हो जाएगा ई एक्स और ये हो जाएगा जीरो टू वन। सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बच्चे हैं वो अपन सेकंड पार्ट में करेंगे, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, 10 क्वेश्चन और बच्चे हैं, 5-10 क्वेश्चन जो भी बच्चे हैं वो अपन सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।